हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान लेक्चर सीरीज ऑफ यूजीसी नेट आज हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करेंगे आल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इसका पीडीएफ लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता वहाँ जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ऑल्सो अ न्यू रूम जहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन और क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं दे आर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स सो वहाँ पे पूछ सकते हैं इफ आई एम एबल टू आंसर आई एल ऑल्सो आंसर बट दे आर सिमिलर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एस्ट टू क्लियर सिमिलर एग्जाम सो दे दिल ट्राई एंड आंसर दोज़ क्वेश्चन सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन फॉलोइंग the attribute of every categorical proposition which इज determined by whether द proposition affirms or denies class inclusion तो प्रोपोजिशंस के अंदर पहले हमें प्रोपोजिशंस uh, में पढ़ते हैं प्रेमाइसिस होते हैं फिर कंक्लूजनस होते हैं उसमें हमारे अलग अलग होते हैं एक तो पर्टिकुलर्स होते हैं अगर प्रोपोजिशन अफर्म्स या डिनाई कर रहा है मतलब वो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है अगर ऑल सम सम नॉट नो तो ये सारे क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं वो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होते हैं ठीक है सो दैट इज देयर तो अब इन्होंने अफॉर्म या डिनाई पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करी करिए पोपोजिशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो दैट इज क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सो सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सा जो है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को क्या कंसेप्चुलाइजेशन थियराइजिंग डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्वेशन या टेस्टिंग होता है या टेस्टिंग ऑब्जरवेशन कंसेप्चुलाइजिंग थेराइजिंग एंड डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंस हो जाता है या थर्ड टॉक्स अबाउट थेराइजिंग डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंस टेस्टिंग ऑब्जर्विंग एंड कंसेपचुलाइजिंग या ऑब्जर्विंग कंसेप्चुलाइजिंग थेराइजिंग डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंस एंड मैथड टू वेरीफाई दैम सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी पहले ऑब्जर्वेशन फिर कंसेप्चुलाइजेशन फिर थियराइज थियराइजिंग देन डिडक्टिव कॉन्सिक्वेंस एंड मेथड टू वेरीफाई दैम सो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस रहता है इट्स द सीक्वेंस ठीक है पहले ऑब्जर्व करना क्वेश्चन नंबर थर्ड टॉक्स अबाउट

जब हम अपनी रिसर्च स्टडी को लार्ज ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं सैम्पल के अलावा तो हम उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं जब हम सिर्फ सैम्पल में ही अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी स्टडी है रिसर्च में सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हैं और वो बाहर उस स्टडी को कहीं नहीं अप्लाई कर सकते तो उसको इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं उसमें सिर्फ जो हाई पॉथसिस भी होती है सिर्फ वो ट्रू होती है सिर्फ उस स्टडी के लिए बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द अदर ग्रुप तो जब हम उस एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो है पॉथसेस विच इज ट्रूलो फॉर द स्टडी एंड ऑल्सो द लार्ज ग्रुप तब उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं इसकी भी वीडियो इज अप ऑन द चैनल यू जी सी में कॉन्सेप्ट जाकर आप इस, इन सब कॉन्सेप्ट को देख सकते हो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर इसके अंदर हमें सम दे रखा है दिस इज नॉट टू दिस इज टू थाउजेंड टू थाउजेंड सिंपल इंटरेस्ट और नाइन मंथ्स के लिए सो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो जो हमारा एस आई का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इन टाइम डिवाइड बाय हंड्रेड एंड प्रिंसिपल जो है दैट इज हमारा टू थाउजेंड है जस्ट सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्या है टू थाउजेंड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ढूंढना है टाइम इज नाइन मंथस डिवाइड बाय हंड्रेड एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें यील्ड कितना मिल रहा है दैट इज वन एटी सो वेन यूल सॉल्व दिस यू विल गेट सोटेल्व परसेंट इसका आंसर, सो परसेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कौन सी जो है वो बिलोंग करती है टू द कैटेगरी ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच क्या वो स्वयं है या कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन है मूक्स है या क्विज है या बग्स बज सेशंस है तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ फर्स्ट मतलब स्वयं हमारे लर्नर सेंट्रिक होता है इट इज़ नॉट जस्ट टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक है एंड मूक्स जो ऑनलाइन सेशंस चलते हैं दैट इज़ द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ठीक है आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन इज मोड ये कौन सा है क्या ये अनस्ट्रक्चर्ड uh, है या सेल्फ रेगुलेटरी है या इनफॉर्मल है या स्ट्रक्चर्ड एंड इंटर है सो so जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज स्ट्रक्चर्ड और इंटरक्टिव होते हैं जो इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन होता है डिस्टेंस एजुकेशन में वो स्ट्रक्चर्ड होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीचर टेल्स ए स्टूडेंट वेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट तो आप उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे वॉट डज दिस कम्युनिकेशन सजेस्ट क्या वो कंटिन्यूड इंटरेस्ट है या एम्बिगुअस एडवाइज है या पोटेंशियल थ्रेट है या पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है सो so जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है इसका सही आंसर कि वो पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो आप ये प्रोजेक्ट कर पाओगे वेन यू लर्न दिस आप ये प्रोजेक्ट कर पाओगे तो ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हो गई ना सो दैट इज देयर अब ये देख लेते हैं हम सो सल्यूशन का ये दे रखें एंड हमें क्रोम का बताना है ठीक है सो so, इसके लिए आप हमेशा रिवर्स और आपको वो पता होना चाहिए सीरीज बनता कैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यहाँ से एन ये पूरा आपका रिवर्स चलेगा इसको आ, इसको आप ये पता होना चाहिए कि इसका ऑपोजिट क्या है जैसे ये वन है तो ये ट्वेंटी सिक्स है दोनों का सम क्या होगा ट्वेंटी सेवन ठीक है ऐसे ही बी वाई होता है सी का क्या होता है सी हमारा a b c d आप इसको अगर याद भी कर लोगे तो वैसे आपको पता चल जाएगा ऐसे आप याद रखो a का z b का बॉय से याद रखो y c का r क्रैक से d का याद रखो डी इज़ बेसिकली हमारा डी uh, यू होता है डी डब्ल्यू करैक्स इज जेड सॉरी जेड होता है ये डब्ल्यू ई इज़ हमारा इवनिंग से याद रख लो एफ इज हमारा फ्लू ई फ्लू इज हमारा एल जिसके यू होता है हमारा, ये हमारा ठीक है ये यू हो गया हमारा जी इज हमारा uh, होता है जी इज ही आप रिवर्स करके लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा एच जे के एल एम एन होता है इसका जैक और क्वीन होता है क्यू होता है और हमारा जो आई है दैट इज इंडियन रेलवेज हो जाता है एच का एस होता है हिज ठीक है एंड सिमिलरली हमारा ए बी सी डी आप पूरा लिखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा एन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ऐसे करके याद रखोगे या पी के से याद कर सकते हो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी हो जाएगा ये हमारा ठीक है ये पूरा आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब आपको दिख रहा है एस का आर मतलब एस से नीचे गया सो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है सो so, ये Z ट्वेंटी सिक्स हो गया ठीक है सो so, अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं S का पीछे वाला देखो S का एटीन R ठीक है O का पीछे वाला ओ इज़ पीछे वाला इज एन एन को फाइव नंबर दे रखा है ठीक है इसको फाइव नंबर दे रखा है एल का के एल का पीछे वाला इज़ के छोटा नंबर इज़ के वैसे ही सिमिलरली आपको क्रोम का बनाना है सी का क्या होगा बी हो जाएगा ठीक है आर का क्या होगा आर का कम क्यू हो जाएगा ठीक है ओ का एक कम एन एन को नंबर क्या दे रखा है फाइव जैसे यहाँ पे तो फाइव लिख दीजिए एम का पीछे वाला देखो एम का एम से एक पहले क्या आता है एल ई से एक पहले क्या आता है डी तो ये यही आपका आंसर बन जाएगा सो जो करेक्ट आंसर होगा इट इट बी दिस ठीक है बी क्यू फाइव एल डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान्स टू अंडरस्टैंड स्टडी वेर इन एटीट्यूड वैल्यूज एंड बाइसिस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट आर टू बी

किसी भी चीज़ की के स्टडी से आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज मिलती है एक चीज़ के बारे में एंथ्रोग्राफिक के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो कल्चर वगैरह से रिलेटेड होती है स्टडी कि एक इंडिविजुअल को अगर किसी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं दे गो रिसर्चर्स गो एंड लिव दैट कल्चर और उसके हिसाब से दे ड्रॉ द कंक्लूजनज एंड एवरी दैट इज़ देयर तो इसमें वही लिखा है कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान अगर उसको अंडरस्टैंड कनेक्ट स्टडी वेदर एटीट्यूड वैल्यूज या बाइसिस ऑफ टीचर या स्टूडेंट आर टू बी प्रॉम्प्टेड विद द आईज ऑफ डिस्कलोजिंग द पैटर्न ऑफ ड्रस्टमेंट तो इसमें क्या यूज होगा तो इसमें के स्टडी और एंथोनोग्राफिक मेथड uh, enth जो है वो यूज़ होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग तो ये मैंने तीनों बता रखे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में पहले मेमोरी लेवल होती है फिर वो कैसे कैसे बढ़ के रिफ्लेक्सिव हो जाती है तो ये तीनों के भी बेसिक से जो यू जी सी नेट का कॉन्सेप्ट वाला पूरा है उसमें आप जाके पेपर वन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो ठीक है सो सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन बाय द टीचर होता है ये हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन बाय द स्टूडेंट्स ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स बाय द स्टूडेंट या गिविंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंस बाय द टीचर सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से एक्सप्लोर करें एक्सप्लेन करें मतलब इसमें बेसिकली uh, सिर्फ मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता इट इज कॉम्पोजिट ऑफ बोथ अंडरस्टैंडिंग भी होती है बच्चे की उस टाइम पे ठीक है सो इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन बाय द स्टूडेंट्स सो बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है इंडिफरेंस मोटिवेशन बींग ऑर्गेनाइज एक्सक्लूसिविटी की पार्टिसिपेशन एंड जेंडर्ड व्यूज सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी बी सी ई बी सी ई मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए अगर गुड कम्युनिकेशन है सबसे पहला वो होता है फिर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्टिसिपेशन में गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन रहता है सो दीज आर द थ्री डायनेमिक्स मोटिवेशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्टिसिपेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो नंबर्स हैं विच आर इन द रेशो थ्री टू सेवन तो दो रेशो में लिख दोगे थ्री बाई सेवन एंड एट हमने ऐड कर दिया एट अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस एट कर दिया सो द नंबर क्या बन जाएगा नाइन बाय फाइव बाय नाइन ठीक है इसको आप सॉल्व करोगे तो यू कैन जस्ट सॉल्व इट थ्री बाय सेवन वाई इसमें सब्सटिट्यूट कर दीजिए इसमें आप सब्सटिट्यूट करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा दिस इज़ वेरी सिंपल दिस डज नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ दिस इज दिस बेसिक एल्ज्रा सॉल्विंग पार्ट इज़ देयर ठीक है सो so इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा दैट इज़ ट्वेल्व ट्वेंटी एट सो इफ़ यू सॉल्व दिस शुड आई सोल्व यू आल जस्ट सॉल्व इट ऑल्सो थ्री बाय सेवन वाई प्लस एट इक्वल्स इसको आप नाइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड फाइव इंटू वाई प्लस एट ठीक है सो नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन बाई सेवेन वाई प्लस सिक्सटी फोर सेवेंटी टू इक्वल्स टू फाइव वाई प्लस फोर्टी ठीक है आप y को एक साइड लेजिए ले ले सकते हैं ठीक है सो ट्वेंटी सेवन बाई सेवन वाई प्लस माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू फोर्टी माइनस सेवेंटी टू इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही सही आंसर मिल जाएगा बहुत इजी है इसको सॉल्व करना ठीक है थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं द नंबर एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस सो थ्री एस आई थिंक दे इज सम प्रिंटिंग एरर इसको रहने देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रिसर्च प्रॉब्लम स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्टोकास्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विच कैन बी डिज़ाइंड एंड इंडिपेंडेंट वेरेबल तो इसका करेक्ट आंसर क्या है क्या वो स्टोकास्टिक अचीवमेंट है टीचिंग मैथड्स है जेंडर है या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है सो so, जो इसका सही आंसर है दैट इज टीचिंग मेथड्स की रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर स्टडी करना इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन स्टोकास्टिक अचीवमेंट जो बॉयज़ और गर्ल्स ने करें इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सो दैट इज टीचिंग मेथड्स जो हैं दैट इज इसके अंदर क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरेबल होगा कि हम उसमें कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिपेंडेंट वेरेबल होंगे कुछ इंडिपेंडेंट टीचिंग मेथड से इनकी प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरेबल हो गया ना इन टीचिंग मेथड में मैं डस्टर चौक वगैरह यूज़ कर रही हूँ बट उस डस्टर चॉक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस स्टडी पर सो दैट विल हैव नो इफेक्ट तो टीचिंग के मैथड्स जो हैं दैट विल हैव नो इफेक्ट सो दैट इज वाई इट्स एन इंडिपेंडेंट वेरेबल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ ए इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बी अगर ए इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बी मतलब ए इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वालिटी के बाय बी कर सकते हैं एंड बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी इसमें भी यही कर सकते हैं बी इक्वल्स टू के बाय सी देन क्या तो ए बी जो है वो सी से प्रपोर्शन है तो बी की वैल्यू हम इसमें भी डाल के देख सकते हैं कि ए क्या होगा ए इक्वल्स टू के बाय बी क्या हो जाएगा के बाय इन सी हो जाएगा के के कैंसिल मतलब ए जो है वो सी के साथ डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी के साथ गलत है ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के साथ ये जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टर्म पक्सा पक्सा जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन पक्षा नॉट पक्सा पक्षा, 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 पक्षा इंडियन लॉजिक के हिसाब से रेफर्स टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म्स इन प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस तो इस जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ये जो है ये एक माइनर टर्म होती है ये मैंने तीनों टर्म समझाई हुई हैं मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं और जो कंक्लूजन में टर्म आती है वो मिडिल टर्म आती नहीं है फर्स्ट टर्म जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन जाते हैं उनको क्या बोला जाता है तो उसकी भी एक और वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर है वो आप जाके देख सकते हैं सो so, Uh, जो पक्सा है उसको हम uh, क्या बोलते हैं माइनर टर्म बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्सिकुंट इंटीज़र इज डिवाइडेड बाय सिक्स से उसको डिवाइड किया देर फोर थ्री इंटू फोर इंटू फाइव का जो आंसर आ रहा है वो सिक्सटी आ रहा है तो वो जो कि डिविजिबल है सिक्स से तो ये कैसी रीजनिंग है क्या वो इंडक्टिव है डिडक्टिव है कि नॉन वर्बल रीजनिंग है कि अबडक्टिव है तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट थी इससे पर्टिकुलर पे गए जब ये मैंने आपको पता अभी रखा है इंडक्टिव में और डिडक्टिव में इंडक्टिव याद करने का होता है डी जनरल से पर्टिकुलर पे जाते हैं और इसमें हम पर्टिकुलर से जनरल पे जाते हैं आई ठीक है तो हम जनरल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं दैट मीन्स ये क्या है डिडक्टिव रीजनिंग है ठीक है सो ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि एक पहले जनरल स्टेटमेंट दे रखी थी कि अगर हम तीन कंजेकेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो डिविजिबल होगा सिक्स से ठीक है और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया तो जनरल से हम पर्टिकुलर में जाते हैं तो हम उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं ठीक है एटीन क्वेश्चन देखते हैं इन द फॉलोइंग टू सेट सेट वन मैंशन्स द वैल्यूएबल सिस्टम वेयर सेट टू गिवज़ द गिव देयर डिस्क्रिप्टिव फीचर्स मैच द टू सेट्स ठीक है सो जो फॉर्मेटिव जो फॉर्मेटिव इवेल्यूएजन है समेटिव इवेल्यूएजन है ये हमें एक दूसरे से मैच द फॉलोइंग करना है ठीक so, uh, है सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जजिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड्स कि ना नॉट द लर्निंग स्टैंडर्ड कि हमें आइडेंटिफाई करना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है जो बच्चों से पहले ले ली जाती है फिर समेटिव होता है फॉर्मेटिव में आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हो ठीक है समेटिव क्या होता है समेटिव इज़ जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड कि क्या लर्न किया और फिर उसके ऊपर मार्क्स दे दिए फॉर्मेटिव में आपको स्कोप होता है कि आप और इम्प्रूव कर सकते हो आपकी क्या गलतियाँ रह गई वो आप कर सकते हो समेटिव इज द लास्ट उसमें आपने जो किया उसकी जजमेंट हो जाती है सो जजिंग द लर्निंग स्टैंडर्ड इज़ द करेक्ट उसके बाद सी दैट इज नॉम रेफर टेस्टिंग नॉम रेफर टेस्टिंग इज कंपेयर करना स्टूडेंट एंड परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स एक स्टूडेंट को और के साथ कंपेयर करना दैट इज़ नॉम रेफर टेस्टिंग की एक स्टैंडर्ड है उससे सबको कंपेयर करना सो दैट इज नॉम रेफर टेस्टिंग ठीक है दैट इज़ देयर एंड क्राइटेरियन रेफर टेस्टिंग क्या होता है क्राइटेरियन रेफर टेस्टिंग होता है इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मास्टरी कि मास्टरी कितनी हुई है क्राइटीरियन रेफर रेफरेंस्ड टेस्टिंग होती है वो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए ये टेक्निकल लैप्स होगा ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर अगर वो फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरिंग के अंदर कुछ इन अप्रोप्रिएटली करता है दैट्स द टेक्निकल लैप्स ऑफ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर क्या वो स्ट्रेस ऑन हाइपर होता है या लिबरल यूज ऑफ एडजेक्टिव या क्लैरिटी कंसाइजनेस करेक्टनेस या यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज क्लैरिटी कंसाइजनेस एंड करेक्टनेस दैट इज सी डी ई ये किस में है सी में तीनों सीज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं

और अगर आपको इसका पी डी एफ चाहिए आई हैव अ टेलीग्राम चैनल इट्स विद द सेम नेम इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पता वहाँ से जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग बी बाय